إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی, اس وقت تو ملک اور بیرون ملک کہ جو حالات ہیں, جیسی خبریں آ رہی ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ہم پر اللہ کا عذاب مسلط ہے. اس بیماری کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان حال ہے. اموات کی کثرت ایک ہی گھر سے کئی کئی جنازے کا نکلنا اور ان جنازوں کی کما حقہو حقوق کی ادائیگی نہ ہو پانا, علاج کا نہ مل پانا, ہاسپٹل میں جگہ کا نہ ہونا, قبرستان اور شمشان گھاٹ میں کہیں جگہ کی قلت ہے تو کہیں سامان کی قلت ہے, یعنی نہ جینا آسان ہے نہ مرنا آسان. اب تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے اور اس عذاب کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہٹا نہیں سکتا, دور نہیں کر سکتا. اس لیے ہم تمام کو کثرت کے ساتھ اللہ کی دربار میں, اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنا چاہیے کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے. قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد, اس میں اللہ رب العالمین نے
वादा किया है कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो उनमें से कोई एक भी हो तो कौम पर आज़ाब नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअद्दिबहुम वअंत फीहिम वमा कान अल्लाह मुअद्दिबहुम वहुम यस्तगफिरून, कि दो चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक भी अगर कौम के अंदर है तो उस कौम पर आज़ाब नहीं आएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम और आप उन दोनों चीज़ों से महरूम हैं। ज़रूरत यह है कि जो हमारे बस में हैं उनमें से उस चीज़ को इख्तियार करें, कसरत से अपनाएं, ताकि अल्लाह का आदाब हटे, अल्लाह का आदाब दूर। पहली चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते मुबारका कि जिस समाज में, जिस कौम में, जिस इलाके में नबी होंगे उस इलाके में आदाब नहीं आता जब तक कि वो नबी उस इलाके से निकल के चले ना जाएं। वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम वअंत फीहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिए मुनासिब नहीं समझता कि उन लोगों को आदाब दे इस हालत में कि आप उनके दरमियान मौजूद हैं। कुफार मक्का मुखातिब हैं। ऐसे ही दिगर अंबिया इकराम का मामला कि जब तक वो अपनी कौम में रहे उस कौम में आदाब नहीं आया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को आदाब देना हुआ तो नबी को हुक्म हुआ कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं ताकि अब इनको आदाब दिया जाए। तो पहली चीज़ किसी नबी का मौजूद होना आदाब से रुकावट का सबब है, और ये वो चीज़ है जिसको आज हम अपना नहीं सकते। हमारे दरमियान कोई नबी नहीं हो सकता है कि हमारे कौम में कोई नबी हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नबी की बरकत की वजह से हमें आदाब से बचा ले, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अंबिया किराम के आने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार है, तौबा है, अल्लाह से माफ़ी मांगना है। अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाह मुअद्दिबहुम वहुम यस्तगफिरून, और इसी तरीके से उन लोगों को भी अल्लाह आदाब देना मुनासिब नहीं समझता है जो लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, माफ़ी मांगते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी गलतियों की मग़फ़िरत चाहते रहते हैं, अल्लाह से रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है कि उस कौम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आदाब से दोचार नहीं करता। तो पहली चीज़ तो मुमकिन नहीं कि हमारे दरमियान नबी आ जाए, लेकिन दूसरी चीज़ मुमकिन ही नहीं, बड़ा आसान है किसी भी मौके पर, किसी भी वक्त, कहीं पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में, बारगाह में बैठ करके हर शख्स अपने अपने एतबार से अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है। और इसमें जितनी कसरत होगी, जितना ज़्यादा अल्लाह से हम माफ़ी मांगेंगे उतना ही जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये आदाब हटने वाला है। इसमें फ़ायदा ये है कि एक तरफ हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी तो दूसरी तरफ इस मुसीबत का भी खात्मा होगा, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम अपने गुनाहों को लेकर के संजीदा हो जाएं, हम मान लें कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हम माने कि हम गुनाहगार हैं, हम माने कि हम खताकार हैं, हम इस पर शर्मिंदा हों कि हमसे गलती हुई है, हम अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग हैं, इसलिए आदाब है। जब तक इसको हम मानेंगे नहीं तब तक अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे नहीं, तब तक अल्लाह से हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसलिए कसरत के साथ हमें इस्तिग़फ़ार करना है। जिनके घर में मरीज हैं उनको भी करना है, जो खुद मरीज है उनको भी करना है, जो मर्द से बचे हैं उनको भी करना है, जिनका कारोबार बंद है उनको भी करना है, जिनका रिस्क मिल रहा है उनको भी करना है। जब पूरा समाज और पूरी कौम मिल करके अपने अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ भी फरमाएगा और अज़ाब को उठा भी लेगा। यही एक तरीका है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मर्तबा, 100 मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगा करते थे। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके तमाम गुनाहों को बख्श दिया था, उसके बावजूद जो इस्तिग़फ़ार की बरकत है, जो उसका फ़ायदा है, जिससे रिस्क में आसानी होती है, औलाद में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है, कहसाली का खात्मा होता है, अजाब का खात्मा होता है, उसको देखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और अपनी कौम को भी, अपनी उम्मतियों को भी ये तलकीन करके गए हैं
कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। लिहाजा आज के इस जुमा और खुतबे का यह खुलासा है एक मुसलमानों, अल्लाह के इस आदाब को दूर करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगना शुरू कर दो। एक एक गुनाह सोचो, गौर करो किस मौके पर हमने कौन सा गुनाह किया था, और शायद अगर मेरे दुरूस याद हों ईशा के बाद वाले, उसमें पूरी शरायत के साथ था कि किन किन शर्तों के साथ अल्लाह से माफी मांगी जाएगी। बहरहाल अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना चाहिए, अपने गुनाहों को आइंदा ना करने का अज़्म करना चाहिए, और उस पर शर्मिंदगी के साथ साथ ये इरादा हो कि अल्लाह इस बार माफ फरमा दे, आइंदा हम ऐसे करने वाले नहीं हैं, हम इससे बाद रहेंगे। अगर हुकूक इबाद है, लोगों के हुकूक के हक तलफी की है, तो उसकी अदायगी करने के बाद अल्लाह के बारगाह में संजीदगी के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। यही चीज हमें यहां भी बचाने वाली है, यही आखिरत में भी काम आने वाली है, वरना कोई बचाने वाला नहीं। दवाएं आएंगी, वैक्सीन आएगी, सब कुछ होता रहेगा, वेंटिलेटर भी मिलता चला जाएगा, ऑक्सीजन भी मिलती चली जाएगी, लेकिन अल्लाह के आदाब को कोई हटा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता। इलाहमीन हम तमाम को इन बातों पर अमल करने वाला बना, इलाहमीन कसरत से हमें इस्तिग़फ़ार करने वाला बना, इलाहमीन हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हर किस्म के गुनाह में मुबतला हैं, बारे लहा हमें बाज आने की तौफीक दे। इलाहमीन हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों की दूर बख्शिश फरमा दे। इलाहमीन जो आदाब हमारे गुनाहों की वजह से आया है, इलाहमीन हम उन तमाम गुनाहों को बख्श दे, इस अजाब का खात्मा फरमा दे। इलाहमीन जो मरीद हैं, इलाहमीन जो मरीद हैं उनको शिफाए कामला आजर नसीब फरमा। हर किस्म के मर्द से इलाहमीन हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। इलाहमीन गैब से मदद फरमा। हम नाचीज, हम इंसान हर एतबार से कमजोर हैं, नातवा हैं, तमाम तर मशीनरी कमजोर पड़ गई हैं, हार गई हैं, इलाहमीन लेकिन तू रब्बुल आलमीन है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अल्लाह अकबर है, तू सबसे बड़ा है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज को करने पर कादिर है। इलाहमीन तू चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, कुन फयकून तेरा मामला है, तू कहता है वो हो जाता है। इलाहमीन हम गुनाहगारों की तरफ मत देख, अपनी रहमत की तरफ देख। इलाहमीन कुन फयकून के दरिया से इस आदाब का खात्मा फरमा दे। इलाहमीन जो मकरूद हैं उनके कर्ज की अदायगी फरमा, जो मरीद है मुकम्मल तौर से शिफाए कामिला आजर नसीब फरमा। इलाहमीन बहुत सारे अहबाब हैं, करीबी हैं, दूर के लोग हैं, इलाहमीन मर्ज में मुबतला है, परेशानी में मुबतला है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा है। इलाहमीन हमने अपनी जिंदगी में इन सांस की कदरों की कदर नहीं की है, इन सांस जो हम लेते हैं इनकी अहमियत को नहीं समझा है, लेकिन आज ऑक्सीजन के जरिए से वो अहमियत समझ में आ रही है। इलाहमीन तमाम लोगों के ऑक्सीजन की फराहमी अता फरमा। इलाहमीन जब तक जिंदा रख, सेहत के साथ, आफियत के साथ रख, अमन के साथ रख, इस्लाम के साथ रख, ईमान के साथ रख। इलाहमीन जब खात्मा फरमा तो ईमान के साथ फरमा। इलाहमीन जो लोग रुखसत हो चुके हैं, जो लोग यहां से जा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, इलाहमीन उन तमाम मुवाहिदीन की तू मगफरत फरमा दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे, अदाब से बचा, जहन्नम के अदाब से बचा, कब्र के अदाब से बचा। बार इलाहा हम तमाम का खात्मा ईमान के साथ फरमा, और हमारे आने वाली नस्ल को ईमान पर बाकी रख, उनकी तू तरबियत फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।